बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए आजाद वतन का ख्वाब पूरा करने वाले अजीम कायद को कौम का खिराज अकीदत। मुल्क भर में तकरीबा मजार कायद पर गवर्नर और वजीर आला सिंह की हाजिरी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के ताजा दम दस्तों ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। कायदे आजम की जद्दोजहद के बगैर आजाद वतन हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता था। वजीर आजम का यौम पैदाइश पर पैगाम, बाउसूल सियासी जद्दोजहद से आजाद मुमलिकत का तोहफा दिया। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का पैगाम, कायद आजम ने तारीख का धारा मोड़ा, दो कौमी नजरिया हर्फ बहर्फ सच साबित हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खराज अकीदत। प्यारा वतन पाकिस्तान, नए कायद आजम तेरा एहसान तेरा एहसान। जद्दोजहद आजादी में कुर्बानियों की तारीख, पाक फिजाई ने मुख्तसर दौरानी की फिल्म जारी कर दी। बानी पाकिस्तान की तकारीर को भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाया गया। तवील इंतजार खत्म, कराची में ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलत का आगाज हो गया। सुबह 8 से 12 बजे तक सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक 25 बसों का पहला सफर मुकम्मल। नई हाइब्रिड बसों में तकनीकी मसाइल के बावजूद शहरियों का देर आयत दुरुस्त आयत का पैगाम। आजमाइशी सर्विस का मुकम्मल आगाज जनवरी के दूसरे अशरे में होगा। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, आजादी इजहार राय नहीं, अकीदत रखने वालों पर हमला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों की मौकफ की हिमायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, अफगान तालिबान और मुल्की और बैन अलाकवामी सियासी रहनुमाओं का खैर मकदम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की खुशियां, मसीही बरादरी की गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। लाहौर के अमरीकी कौंसल जनरल और अमरीकी मैरिन्स एसएसओ विलेज पहुंच गए, तहाइफ तकसीम करके खुशियां बांटी। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवास में मुसाफिरों के लिए खुशगवार सरप्राइज, सेंटा क्लॉज का रूप धार कर तोहफे दिए गए। बच्चों में चॉकलेट की तकसीम, परवास में सवार वफाकी वजीर अमीनुल हक, रुकन असेंबली कादिर पटेल और नफीसा शाह भी महसूस हुए। शहरी हो जाएं तैयार, मौसम अंगड़ाई लेने को बेकरार, मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। शाम तक मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज्यारत, पंजगोर, गवादर, मुल्तान और खारेवाल में अबरे करम का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सवात में बारिश के साथ बर्फबारी भी होगी। कराची में कल सुबह बारिश की पेशगोई, 28 दिसम्बर से सर्दी बढ़ जाएगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, लाहौर से कोट मोमिन और लाहौर सियालकोट मोटरवे का M3 सेक्शन बंद करना पड़ा। साहिवाल के अतराफ नेशनल हाईवे पर भी हद निगाह कम। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जान बहक, 24 घंटों में 353 नए केसेस भी रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 0.73 रही। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट किस तरह एक नाअहल शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे सकती है? वजीर आजम का लीगी कायद की वापसी की खबरों पर तबसरा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया। आइंदा टिकटों की तकसीम के लिए 21 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का यौम शहादत करीब। माहिर तालीम रफिया जावेद ने 27 दिसंबर के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में सनअतकारों की तंजीम ने पहल कर दी। विफाक ऐवान हाय सनअत और तजारत के इलेक्शन में पहली बार इस्तेमाल करने का ऐलान। कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई मशीन पर एक वक्त में कई वोटर हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में जलोजे इकोनॉमिक जोन 5 इब्तदाई मरहले में 6 सनअतें खुल गयी। असलहा और अस्पतालों के सामान की पैदावार का काम होगा। 1 अरब 60 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, 500 अफराद को रोजगार मिलेगा। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए। महंगा गैस सिलेंडर आवाम की कुवत खरीद से बाहर। सुई सदरन का कराची में सबको गैस फराहम करने से इजहार माजूरी, नया प्लान बनाने का ऐलान। लाहौर वालों का हुकूमत को दावों और वादों से निकलकर अमली इकदामात का मशवरा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिटायर मुलाजमीन कई साल गुजरने के बावजूद पेंशन से महरूम। बुजुर्गों को दफ्तर बुलाकर खाली हाथ भेजा जाने लगा। सिंध हुकूमत से ग्रांट मिलने के बाद अदायगियों के वादे। रहीम यार खान में माजूरों को हुनरमंद बनाने का मिसाली कारनामा। फलाही इदारे से मुफ्त तरबियत हासिल करके बाइज्जत रोजगार के गुर सीखने लगे। किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग तो किसी ने कुर्सियां बनाने का हुनर सीख लिया। PSL के लालकानों स्टार शाहनवाज सहानी के एजाज में तकरीब। कराची में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सिंध से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सलाहियतें मनवाना आसान काम नहीं। वजीर तलासीन सईद गनी का खिराज तहसीन। तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।